ग्रुप थ्योरी के अंदर हमारा टॉपिक है ग्रुप। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच द बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड, देन द पेयर जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप इफ। अब सबसे पहले हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होगा ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। ऑन विच बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोज्ड, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास अगर लेट करें कि ये कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और एक्स क्रॉस एक्स का जो है ना प्रोडक्ट वो भी एक्स को अप्रोच कर जाए, तो हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्लोज होना चाहिए। क्लोज को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास ए बी कोई भी दो नंबर्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं उस ग्रुप से जी से, और उनका जो प्रोडक्ट है ना वो भी बिलोंग करेगा जी से। अगर कोई भी दो नंबर्स हों उनको मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो जो आंसर आए अगर वो भी उस ग्रुप में पड़ा हुआ हो तो मतलब वो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। देन द पेयर जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप इफ़। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये थी कि क्लोज होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप से। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लें और बाद में इन दो को मल्टीप्लाई कर लें तो जो आंसर आए वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है इसमें अब हम कोई भी नंबर्स पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर उस ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये उसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, फर्स्ट है क्लोज होनी चाहिए। क्लोज के लिए उनका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से या ऐड करने से अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन वो भी उसी ग्रुप में आना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ के लिए कंडीशन है कि तीन एलिमेंट जो कि ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उनमें से पहले दो का प्रोडक्ट ले लें, फिर जो आंसर आए उसका थर्ड के साथ प्रोडक्ट ले लें, और सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट ले लें, जो आंसर आए उसका फर्स्ट के साथ ले लें। अगर दोनों आंसर इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। तो आइडेंटिटी का मतलब ये है वन, तो हम इसको ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए लिखें वन लिखें की बात है। ई और कोई भी एलिमेंट है ए जो कि बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप जी से, अगर मैं ई और ए को आपस में मल्टीप्लाई कराऊं या फिर ए और ई को मल्टीप्लाई कराऊं, यानी पहले आइडेंटिटी को वन से और फिर सॉरी आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई कराऊं और फिर ए को आइडेंटिटी से, तो आंसर ए ही आएगा ना। अब जाहिर सी बात है वन को आइडेंटिटी का मतलब वन है, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वापस खुद ही आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने ए लेट किया हुआ है तो वो ए आंसर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। लास्ट है इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ के लिए अगर हमारे पास ए कोई भी एलिमेंट है जो कि ग्रुप जी से बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप जी से ही बिलोंग करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ई। यानी अब यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है, तो जब भी बेसिस सेम हो तो हम जानते हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये अगर इस फॉर्म में हो तो बेसिस सेम है ए और ए की, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो माइनस वन प्लस वन ये तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर ज़ीरो आ जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो वो वन के इक्वल होता है, और वन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ग्रुप के लिए पहले हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसके बाद उस पर फर्स्ट कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि वो क्लोज होना चाहिए, ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उस ग्रुप जी के अंदर। और लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि इन्वर्स लॉ भी होल्ड करना चाहिए, यानी अगर कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप में पड़ा हुआ है तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप में होगा। अगर टू कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप में पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टू कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप में है, तो टू का इन्वर्स भी ग्रुप में होगा। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, क्लोज्ड, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इन्वर्स। अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए कि चेक करें ये ग्रुप है या नहीं, तो हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज लगा के चेक करेंगे। क्लोज के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इस क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ के लिए कोई भी तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे ग्रुप से, और आइडेंटिटी के लिए किसी भी एक को लेके चेक कर सकते हैं।
सिमिलरली इन्वर्स के लिए भी, अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ किसी भी सेट पे सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो एक ग्रुप है।